पूरा का पूरा हनीकॉम अच्छे से बिक गया है। देखिए देखिए, और गाइस पानी भी लीक नहीं हो रहा। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। आप जानते हो गाइस, हमने कितने डिफरेंट टाइप के कूलर बना दिए। ट्रांसपेरेंट बना दिया, बांस का बना दिया, कुल्लड़ का बना दिया, टिन कनस्तर का बना दिया, यानी कि हमने सारे से कूलर के बाप जितना बने हैं। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वैसा कूलर का बच्चा। देखिए, और गाइस वैसे आप जानते हो भैया, बच्चे बच्चे नहीं है, सबके बाप बन गए हैं। बात तो सही है। तो गाइस, ये जो कूलर का बच्चा होगा, ये भाई साहब अपने पापा में गया है। पूरा पूरा वही फंक्शन के अंदर जेनेटिक्स वाला सब मामला है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अबे जल्दी बोल। तो गाइस, स्किन मायने देख लो गाइस, अपने बिल्कुल छोटा सा होगा, लेकिन भाई साहब काम ये पूरे बड़े वाले करेगा। तो गाइस, बहुत मजा आएगा इस वीडियो हमेशा की तरह। चले गए, चलते हैं फटाओ अपने टॉय पर। चलिए, समर एक्सपेरिमेंट। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है पीवीसी पाइप, क्योंकि हम इसे कितना लंबा कर सकते हैं। अबे साले, तो भाई साहब यहाँ पर हमारे पास दो तरह का पाइप है, जो है दोनों पीवीसी का पाइप है। ये काफी हल्का और लाइट वेट है, जो कि बिजली फिटिंग में यूज होता है, सिंपल सी बात है। और भाई साहब जानते हो, जो इस वाटर लाइन में फिट होता है, आप कोई से भी ले सकते हो। गाइस, आपको पता है हम क्या बनाने वाले हैं? भाई, हम दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कूलर बनाने वाले हैं, जो है 100% वर्किंग होगा। उसमें भाई क्या क्या लगाऊंगे आपको पता लग ही जाएगी। क्या गाइस, हम बहुत हल्का बनाना है। तो भाई यहाँ पे मैं लूंगा हल्का वाला पाइप, बिल्कुल हल्का। देखिए, तेरा नहीं मुड़ गया। तो भैया इसके फटाफट शीट बना लेते हैं। लेकिन एक सेकंड, बना क्या लेते गाइस? मैंने बना लिया, मैंने आपको काफी वीडियो दिखा इसकी शीट कैसे बनती है। तो भाई ये मैंने कुछ पीवीसी का पाइप कट कर ली है, और आप इन दोनों की मोटाई देख सकते हो। देखो भाई साहब कितना डिफरेंस है। भाई ऐसी तीन है, जितना मोटा है ना, ऐसी तीन शीट आ जाएंगी। सबसे पहले गाइस आपको इसकी डायमेंशन बताता हूँ। आप इससे भी छोटा बना सकते हो। 9 सेंटीमीटर की लेंथ है और 6.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, और चारों के चारों सेम। बिल्कुल गाइस, सेकंड मानिए, आप इससे भी ज्यादा छोटा बना सकते हो, लेकिन भाई साहब वो काम न करे तो चीज का क्या फायदा। तो चलिए भाई फटाफट चिपका के इसका बॉक्स बना लेते हैं। तो गाइस, बॉक्स तो बन चुका है, लेकिन भाई साहब जो ये इंस्टेंट ग्लू है ना, इससे भाई साहब ज्यादा तक नहीं रुक पाएगा। गाइस, ये वाटरप्रूफ नहीं होती। तो भैया इसमें चिपकानी पड़ेगी एयरलाइट होगी, एमसील होगी, और भी अलग अलग आती है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, जो गाइस आपको टाइम मिल जाए वो आप लगा सकते हो। तो गाइस, मेरे पास दो तरह की है, ये 24 घंटे ले आती है और ये 2 घंटे में सूख जाती है। तो भाई हम इसे ले लेंगे। भाई हमें इसे भी टैंक में लगानी है, जहाँ पर गाइस इसके अंदर पानी रहेगा, क्योंकि वहीं से लीकेज की ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो चले भाई, अब इसे डायरेक्ट धूम रख देते हैं, 2 घंटे बाद मिलते हैं। 2 hours later. तो गाइस 2 घंटे हो गए हैं, कुछ चेंजेस हुआ? भाई हमने 2 घंटे में क्या उखाड़ा? कुछ भी नहीं उखाड़ा गाइस, टाइम खराब हो भैया, आराम से मोबाइल चला रहे थे बैठ के, जो कि बहुत गलत बात है। खैर, जो बात है गाइस, ये अच्छे से सूख गया है। तो भाई अब इसके अंदर गोल होल करना है, जिससे प्रोपेलर चल सके और हवा आ सके। तो गाइस इसका जो डायमीटर होगा 56 इंच का तो कुछ और है भैया, सॉरी 56 mm, यानी कि 56 mm का पूरा डायमीटर होगा, यानी कि आर होगी 28 mm। मैं पागल हूं। 56 इंच का क्या है? अभी नहीं बैठ रहा, नहीं बैठने का। तुमसे ना हो पाएगा भैया, जितना है उतना बहुत है, हम तो इतने में खुश हैं। फटाफट कट कर लेते हैं। भाई साहब क्या मस्त बॉडी लग रही है इसकी। मैंने पीछे कटिंग नहीं की है, 2 होल इनफ है। पीछे भी कर सकते हो, पर कोई जरूरत नहीं है, इतने बहुत है इस मोटर के हिसाब से। बॉडी गाइस ऐसे नहीं कि भाई मजबूत नहीं है, मजबूत बॉडी है, आप जानते हो गाइस पीस भाई काफी मजबूत होता है। तो चलिए भाई साहब, अब आते हैं फटाफट इसके मोटर पर। भाई हमारा जो कूलर है वो स्पेशल है, तो भाई साहब मोटर भी स्पेशल होगा। तो गाइस कहने को तो भाई बहुत सारे मोटर है भरे पड़े हैं, मोटर के तो भरमा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी कृपा से, आधी कृपा आपकी और आधी ऊपर वाले की, हमारी कुछ नहीं है। तो भाई हम इन मोटर को नहीं लगाने वाले, या भाई तुम इसे भी लगा सकते, जो कि आई थिंक 130 नंबर डीसी मोटर है, 10 रुपए का मिल जाता है। लेकिन भाई साहब इसके आरपीएम बिल्कुल लुल है, बिल्कुल खत्म है, मजा नहीं आएगा। भाई साहब बहुत स्पीड वाला मोटर हमें चाहिए, जो भाई धुआं उड़ा दे। तो भाई साहब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, देखिए छोटा लेकिन भाई तो सबका बाप। मैं आपको दिखा दूं एक बार, ये रहे भाई साहब BLDC मोटर, काफी हाई स्पीड वाले भाई, 50,000 RPM। अरे बाबा, 50,000 RPM आपको दिखा दो। काफी सारे पड़े मेरे पास यार, मंगाते रहते, तो भाई इतने इन पर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, ठीक है। तो हम कोई चोज कर सकते हैं, ये और ये एक ही है साइज में। देखो कभी आपको लगे कि नहीं एक ही है, बस ये थोड़े नए हैं और ये थोड़े से पुराने हैं, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, एक
की बात है, प्रॉपर गाइस हम इन्हीं की यूज कर ले तो भाई साहब मजे आ जाएगा बिल्कुल। होता है कूलर जो है ना ड्रोन ना बन जाए, उड़ ना जाए। चलिए ये हो गया। और ये भी है गाइस बीएलडी मोटर नहीं, लेकिन भाई ये है नन्हे मुन्ने छोटे मोटर और ये काफी चीप मिल जाते हैं। ये भाई इससे भी छोटा है फेवरे वाला, और ये थोड़ा सा इससे बड़ा है। तो भाई ये सबसे ज्यादा फास्ट है जो ये वाला ना बीएलडी सी, ये दोनों ब्रश वाले हैं ठीक है। तो ये ब्रश वाले हैं, ये विदाउट ब्रश है, इसमें ब्रश नहीं है, ये बीएलडी मोटर है ब्रशलेस डीसी मोटर। तो हम इसे लेंगे और भाई इसकी प्रोपेलर ये लेंगे। और इस प्रोपेलर के हिसाब से गाइस मैंने इसमें कटिंग भी की है 56 mm। चलो भाई फटाफट गाइस इस मोटर को इसके अंदर फिट करते हैं। मोटर का भी काम कंप्लीट हो गया है। तो भैया ऐसे चिपकाना भाई सबसे सिंपल है और मजबूत भी है, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं लेकिन भाई ये बिल्कुल बीच में। तो गाइस सारी फिटिंग यहीं रोकते हैं। सबसे पहले इस पर करते हैं कलर, उसके बाद गाइस इसकी जो ग्रिल आगे की जाली है जो गाइस से लुक देगी कूलर वाला वो बना लेते हैं। तो देखिए बॉस क्या लग रहा है, छोटा सा कूलर और गाइस मेरी एक उंगली के बराबर है, अप्रोक्स एक मिडिल फिंगर के बराबर है मेरी। इसका मैंने ऊपर का ढक्कन ही बनाया है। ये रहा भैया इसका ऊपर का कैप ढक्कन, और आप इसे जम्बर से हटा सकते हो और लगा सकते हो, और इसकी फिटिंग गाइस काफी अच्छी है। गाइस ऐसा नहीं लग रहा भाई, हमने इसके ऊपर कैप लगाया है, बिल्कुल मिल गया है। अभी से आराम से हम निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेंट नहीं किया, कोई खास जरूरत है नहीं ठीक है। अब आते हैं भाई साहब इसकी साइड की जाली पर। तो गाइस काफी लोग हनीकॉम लगाते हैं और काफी लोग घास लगाते हैं। भैया हम घास नहीं लगाने वाले, घास में गाइस एक कमी है, वो हवा को कम खींचती है। तो गाइस हम इसमें लगाने वाले हैं ये हनीकॉम्ब। गाइस के काफी सारे फायदे होते हैं। एक तो भाई इसके अंदर हवा थ्रो काफी अच्छा आता है क्योंकि इसके अंदर होल काफी बड़े हैं, तो गाइस मोटर आपको काफी अच्छी एयर थ्रो देगा, ये जल्दी खराब नहीं होती। दिक्कत गाइस ये है कि ये काफी मोटी है बॉस, इसके अंदर ये आएगी ही नहीं, तो गाइस बीच में मोटर आ रहा है देख सकते हो, भाई आधे से निकल लिया, इधर भी नहीं आएगी। तो गाइस हम क्या करेंगे, हम इसके दो करेंगे। वाओ काफी मस्त लग रही है कटने के बाद भी, कोई डिजाइन में चेंजेस हुआ ही नहीं। अब भाई साहब से लगाना बहुत इजी है, ये आराम से आ गया है और काफी क्यूट भी लग रहा है भाई। तो मैं इसे फटाफट चिपकाता हूँ। लीजिए भाई मस्त, बिल्कुल जगह नहीं है भाई साहब, बिल्कुल लिमिटेड जगह है, यहाँ पे हम स्विच को लगा सकते हैं आसानी से। अब आते हैं भाई से इसके फटाफट पानी के मोटर पर। पहले भाई आप इसके अंदर स्पेस देख सकते हो जो कि है ही नहीं। तो गाइस पानी के लिए हम यूज करने वाले ये समर सेल पंप जो कि ओनली 5 वोल्ट का है, और भाई इसे लगाने बड़ी दिक्कत है यार, ये मुझे इस तरीके से लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम गाइस ये कि मैं कोई भी इसमें पाइप लगाता हूँ ठीक है, और मैं इसे इस तरह लगा, देखिए गाइस अब पाइप मुड़ जाएगा, तो पाइप मुड़ जाएगा तो भैया पानी नहीं जा पाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो गाइस इस चीज का भी सॉल्यूशन है मेरे पास, ये रे भाई साहब जो कि है मार्कर, ये स्केच है। तो गाइस इसके में सिर्फ बॉडी चाहिए, ये बॉडी हमें दे दे स्केच या ठाकुर जो बात है। तो गाइस आप देखते रहो भाई मैं करता क्या। तो भाई से यकीन मानिए बहुत मेहनत लगी भाई इसे बनाने में। अब गाइस पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया है, किसी भी तरह का मैंने फ्लेक्सिबल पाइप यूज नहीं किया है। यहाँ पे गाइस मैंने एक पाइप यूज किया है स्केच का, मतलब फ्लेक्सिबल पाइप यूज नहीं किया है। अब देखिए ये बिल्कुल फिक्स, पानी गाइस ऊपर आएगा और गाइस यहाँ से निकलेगा ठीक है। तो भाई अब इसमें एक स्विच लगाते हैं और फटाफट एक सॉकेट लगाते हैं।
तो गाइस ये भाई बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और भाई बिल्कुल गाइस के अंदर जगह नहीं है भाई साहब, हर चीज मैंने ठूस ठूस के भर रखी है। अब भाई इसकी टेस्टिंग करेंगे छोटी सी। अगर भाई साइड में से पानी निकला जो कि हनीकॉम्ब है तो गाइस हमें यहाँ पर बोतल लगाना पड़ेगा। अब गाइस पानी कहाँ से निकल रहा है वो तो जब पता लगेगा जब इसकी टेस्टिंग करेंगे। चला गया फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं, काफी मजा आने वाला है बहुत। तो भाई लगाते हैं सॉकेट और 2.2 वोल्टेज, चलो 2 वोल्टेज कर लेते हैं। ये जो बीएलडी मोटर है बहुत कम पावर लेता है। और भाई एक बात आपको और बता दूं, ये जो स्विच है ये सिर्फ वाटर पंप के लिए मैंने लगाया, आप इसे बंद भी कर सकते हो खोल भी सकते हो। देखिए गाइस फैन तो चलता रहेगा इसका, ये जब आप सिंपल से कूलर चलोगे फैन तो कम से कम चलाओगे चलाओगे। तो गाइस अभी मैंने इसे ऑफ कर रखा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 वोल्ट डीसी ऑफ ऑन, ऐसी खुजली मच रही थी। तो भाई हो भाई बढ़िया, देखिए हाय हाय मस्त हवा है बॉस। तो हवा काफी अच्छी है, हवा का थोड़ा गाइस काफी अच्छा है। अब इसका वाटर पंप चला के देखते हैं। तो भाई इसके अंदर भरते हैं पानी, पानी डालना बहुत ईजी है, इन्हें भिगा दो हाथों हाथ। वैसे गाइस तुम साइड में भी डाल सकते हैं, काफी पानी इसके अंदर आ गया है। तो चलिए बॉस अब इसको चालू करके देखते हैं। ओ भाई चालू तो हो गया पंप, देखिए हाँ देखो गाइस पानी चल रहा है, गाइस पानी बाहर नहीं निकल रहा और भाई इधर भी चल रहा है। देखो गाइस देखो भाई पानी इक्का दुक्का बूंद कहीं किसी निकल जाता है, देखिए जब भी पूरी गिर जाएगी ना तो गाइस बिल्कुल पानी नहीं निकलेगा बाहर, देखिए पानी बाहर नहीं निकल रहा है। ओ भाई मस्त है। और जब देखते हैं देखो भाई इसका पानी बाहर नहीं निकल रहा है और पानी बहुत अच्छे चल रहा है। तो भाई आपने देखा क्या मस्त काम कर रहा है, एक बार इसका ए थ्रो दिखा देते हैं। देखो भाई देखिए मस्त, एक बार थोड़ी तेज करके दिखाता हूँ। देख अरे भाई अरे है देखिए आप दिखा लगा। तो लीजिए गाइस छोटे से कूलर की हवा आप भी खा लो, पूरा का पूरा हनीकॉम्ब अच्छे से भीग गया है। देखिए देखिए अरे गाइस पानी भी लीक नहीं हो रहा, देखिए बढ़िया पानी चल रहा है जब आता है। तो भैया इसका बेच रोकर ढक्कन लगा सकते हैं। तो भैया बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ज्यादा टेस्टिंग इसकी करा दी है, काफी देर से गाइस चल रहा है, तो गाइस कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूरी बॉडी गाइस की बिल्कुल चिल बिल्कुल ठंडी हो गई है। आप जानते हो गाइस हनीकॉम्ब में थोड़े ज्यादा बड़े होल होते हैं, तो गाइस मोटर को पीछे काफी अच्छी हवा मिल रही है, तो गाइस वो काफी अच्छी हवा हमें दे भी रहा है। तो गाइस आई होप ये जुगाड़ कूलर या कूलर का बच्चा आपको अच्छा लगा होगा। वाह कूलर का बच्चा लगा होगा आपको अच्छा, तो प्लीज दोस्तों लाइक करो बच्चा सॉरी, तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और गाइस जरूर बताओ ये छोटा सा कूलर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। इसकी डिमांड पहले आ गई है, ये किसको जाएगा।